देखो रणदीप, जो कुछ होना है वो यहाँ नहीं हो सकता, बाहर ही हो सकता है। मतलब मुझे सलोनी को लेकर कहीं बाहर जाना चाहिए? एग्जैक्टली। रणदीप, कब तक तुम ऐसे दम घुटने वाले बंधन में रहोगे? कोई तो रास्ता निकालना होगा ना, और रास्ता तभी निकल पाएगा जब तुम दोनों अपनी रोजमर्रा की जगह से बाहर निकल पाओगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? कहीं दूर जाके जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ अकेले में वक्त बिताओगे तभी कुछ होगा। सही कह रही हो पूजा, मुझे और सलोनी दोनों को मिलकर इसका समाधान निकालना पड़ेगा। मेरे हाथ लगाते इतना डर क्यों जाती हो तुम? क्या हो जाता है तुम्हें? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा मर्डर करने वाला हूं? कुछ और सोच सकती हूँ तुम्हारे बारे में? देखो सलोनी, मेरी बात सुन, हमें अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। मैं अपने काम में बिजी रहता हूं और तुम भी स्ट्रेस्ड हो। मैंने सोमवार से 4 दिन की छुट्टी ली, शिमला चलते। अकेले में एक दूसरे को वक्त देते और ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। हम अकेले में अपने सारे इश्यूज पे बैठकर बात कर पाएंगे। और देखो, हो सकता है कि बात करते करते हमारे बीच की गलत फहमियां खत्म हो जाए। प्लीज मैम, मैं और सलोनी 4 दिनों के लिए शिमला घूमने जा रहे हैं। कब जा रहे हो? अगले हफ्ते सोमवार को जाएंगे, शुक्रवार को वापस आ जाएंगे। अच्छा है तुम दोनों के लिए, जाओ, जरूर जाओ। वैसे भी दिन भर घर में बैठी बैठी उब जाती है, 4 दिन बाहर घूम के आएगी तो इसे भी अच्छा लगेगा। ये सब रणदीप का प्लान है तुझे जान से मारने का। वो ये सब प्लान इसलिए कर रहा है ताकि तुझे मार दे। हम जा रहे हैं ना, तुमने अभी तक कुछ बोला नहीं, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? रणदीप तेरे साथ खेल खेल रहा है, लेकिन तुझे उसे हराना है सलोनी। उसी के खेल में उसी को मात देनी है। ठीक है, चलते हैं शिमला। एक कदम तुम चलो, एक कदम मैं, ऐसे ही साथ साथ चलते रहेंगे। हाँ, थैंक यू, गुड नाइट। खुश रहो, मजे करके आना। रणदीप चौधरी के नाम पे कमरा बुक हो? यस सर, 1 मिनट। यस सर, दिस इज योर की, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।
अरे आ गए। रणदीप, सलोनी कहाँ है? सलोनी मेरे साथ शिमला से वापस नहीं आई माँ, उसे वहीं रुकना है एक दो दिन। क्या? वो क्या करेगी वहाँ? अब उसकी बातें वही जाने। फिर झगड़ा हुआ है ना तुम दोनों के बीच में? ये पूछो कि कब नहीं हुआ। उसे शिमला कभी मेरे साथ जाना ही नहीं था। नीम का पेड़ कहीं भी लगा दो माँ, होगा वो कड़वा ही। उसे कभी सुलह नहीं करनी थी, बस अपनी मनमानी करनी। क्या सच में ऐसा ही हुआ था जैसा रणदीप बता रहा था? क्या वाकई रणदीप की पत्नी सलोनी चौधरी शिमला में अकेले रुकना चाहती थी? आखिर शिमला में हुआ क्या था? किसने बाजी मारी और किसने मात खाई? असली खेल अब शुरू होने वाला था। रणदीप सलोनी कहाँ है? सलोनी मेरे साथ शिमला से वापस नहीं आई सूरज। वो एक दो दिन और वहां रुकना चाहती थी और कल रात को मैसेज किया कि वो मुंबई जा रही है। क्या बकवास कर रहे हो रणदीप? ए सूरज, जबान संभाल गया। अब मुझ पे क्यों चढ़ रहा है तू? तेरी बहन है ना सलोनी, उसे ज्यादा जानता है तू उसे। तुम्हारी बीवी है वो, तुम उसको अकेले से शिमला में कैसे छोड़ सकते हो? मैंने नहीं छोड़ा उसे, वो खुद एक दो दिन वहां पे रुकना चाहती थी। चलो तैयार हो जाओ, 10 बजे निकलना है हमें, शाम में ड्यूटी पे हाजिर होना है। मैं नहीं आ रही किसी ड्यूटी पे, तुम जाओ। मैं नहीं आ रही, तुम जाओ, मतलब? मतलब मुझे तो कोई ड्यूटी ज्वाइन नहीं करनी है ना, तुम जाओ अपनी ड्यूटी पे, मैं यहाँ कुछ दिन और रहूंगी अकेले शांति से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पिछले 4 दिन से इस कमरे से बाहर नहीं गए हम। अरे दिमाग पक गया है मेरा? सोचा था घूमने जा रहे हैं, कहीं घूमेंगे, कहीं टहलेंगे। टहले जाएंगे पहाड़ों में, घाटी पर, और फिर तुम मुझे उस घाटी से धक्का दे दोगे और मैं लुढ़क कर उस खाई में गिर जाऊंगी। डेड बॉडी मिलेगी मेरी और तुम एक पीड़ित पति का नाटक करोगे। मेरी पत्नी गिर गई, एक्सीडेंट केस क्लोज्ड। नहीं तो तुम ये सोच के पिछले 4 दिनों से इस कमरे में सड़ रही हो। बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? हाँ, कितनी मेहनत से मेरे मर्डर का प्लान बनाया था, सारा प्लान फेल हो गया। सच में तुम्हें ना अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मैंने तय कर लिया, कुछ दिन यही रहने वाली हूँ। कुछ पैसे दे दो मुझे, कुछ दिन बाद खुद से घर वापस आ जाऊंगी, वरना तुम्हारा क्या भरोसा? कहीं रास्ते में मेरा एक्सीडेंट करवा दो। और वो ड्राइवर तुम्हारा आदमी है ना? वो देखो, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम घर आराम से जाओ, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। ओके बाय। उसने बोला और तुम मान गए? हाँ तो क्या करता, वहां खड़े होकर के उसे लड़ता रहता। मैं अपनी रिटर्न जर्नी को बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसने मैसेज किया है कि वो मुंबई चली गई है। कुछ दिन और अकेले ही रहना है, मुंबई जा रही हूँ, जब लगेगा वापस आना चाहिए तब आ जाऊंगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए मेरे खुद के लिए। बकवास मत करो, सलोनी कहाँ है ये बताओ। बकवास तेरी बहन करती है और अब भी बकवास ही कर रही है। सच सच बताओ रणदीप, तुमने कहीं सलोनी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया है? हाँ कर दिया मैंने, सलोनी के साथ मार दिया है उसे। क्या करेगा तू, क्या जो करना है कर ले। कंप्लेन लिखवानी है तुझे, आ जा मेरे थाने में, मैं खुद तेरी कंप्लेन दर्ज करूंगा। क्या हुआ सूरज? भाई रणदीप झूठ बोल रहा है, मुझे लग रहा है उसने सलोनी के साथ कुछ कर दिया है। लेकिन सूरज, मेरी दुर्गा बहन के साथ बात हुई थी, वो भी ये बोल रही थी कि सलोनी वापस नहीं लौटी रणदीप के साथ। ये दोनों माँ बेटा मिलकर ना कहानी बना रहे हैं। मैं कल से सलोनी के नंबर पे फोन कर रहा हूँ, रिंग जा रही है, वो फोन नहीं उठा रही, वो ऐसा क्यों करेगी माँ? तुम्हारा मिस कॉल देखा सूरज, मैं ठीक हूँ और मुंबई में हूँ, तुम्हें बाद में कॉल बैक करूंगी। सलोनी का मैसेज है? हाँ माँ, बोल रही है मुंबई में। रणदीप बोल रहा था कि कल रात को उसको सलोनी का मैसेज आया और अभी मैं रणदीप से बात कर रहा था, उसके तुरंत बाद मुझे सलोनी का मैसेज आता है। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? ये पक्का रणदीप की चाल है। तो कैसा रहा शिमला? मत पूछो यार, सलोनी के साथ ना तो कुछ यहाँ अच्छा हो सकता है और ना ही कुछ बाहर जाके अच्छा हो सकता है। और अब यहाँ उसका भाई सूरज बवाल खड़ा कर रहा है, मैं जानता हूँ ये सब उस सलोनी की ही चाल है। बाय। फोन तो चालू है सलोनी का, फोन पे रिंग जा रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, परसों से उसके फोन पे रिंग जा रही है लेकिन वो फोन नहीं उठा रही।
उसके फोन से मैसेज आता है लेकिन वो बात नहीं करती। सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर रणदीप ही कोई खेल खेल रहा है, मेरी बहन अकेली शिमला में क्यों रुकेगी, मुंबई क्यों जाएगी? सर क्यों, मुंबई नहीं जाने की कोई वजह है? सर कैसा सवाल है, मुंबई में ना तो वो किसी को जानती है ना उसे कोई काम है, तो वहां जाने का क्या मतलब सर? अरे घूमने गई होगी, मैसेज तो उसी के फोन से आया ना। सर मैं कह रहा हूँ ना, ये रणदीप की चाल है, पुलिस वाला है सर वो, उसी ने मेरी बहन के साथ कुछ किया सर। अगर हम तुम्हारी बात मान भी ले तो ये बताओ कि रणदीप ऐसा क्यों करे? सर आप इसलिए पूछ रहे हैं ना कि रणदीप एक पुलिस वाला है और आप लोग भी पुलिस वाले हैं। भाई ऐसा लग रहा है सूरज कि तू रणदीप पे इल्जाम लगाने की ना पूरी तैयारी करके आया है। पहली बात तो तुम्हें अपनी कंप्लेंट लिखाने फरीदाबाद थाने जाना चाहिए था, लेकिन तुम हमारे थाने आए, फिर भी हम सुन रहे हैं तुम्हारी बात, तुम हमको ही धमकी दे रहे। अरे तो सर रणदीप को उठाइए ना, उससे पूछिए ना मेरी बहन को शिमला में अकेले छोड़कर वापस क्यों लौटा है, मेरी बहन अकेली शिमला में क्या करेगी सर? हमें रणदीप से जो पूछना है हम पूछ लेंगे, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारी बहन और सब इंस्पेक्टर रणदीप के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? रणदीप मारपीट करता था मेरी बहन के साथ बेवजह। सर आप रणदीप को उठाओ और उससे पूछो मेरी बहन अचानक उठकर मुंबई क्यों चली गई, कौन है उसका वहां पे? सब मेरे और माँ के अलावा सलोनी का कोई नहीं है परिवार में। सर अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा कि मैं आप लोगों के पास आया था और वक्त आते आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ये धमकी देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम तुम्हारी बहन का पता लगा, काम है हमारा। इंस्पेक्टर कमल माथुर। माथुर अखिलेश बोल रहा हूँ, दिल्ली रंगोली बिहार थाने से। हाँ कहिए अखिलेश। माथुर तुम्हारे थाने में कोई रणदीप चौधरी नाम का सब इंस्पेक्टर है? हाँ है ना, क्यों? रणदीप का साला सूरज हमारे थाने में आया था, बोल रहा था कि रणदीप अपनी वाइफ सलोनी के साथ शिमला गया था और वहां से अकेले वापस आया है। वो अपनी बहन सलोनी को लगातार फोन कर रहा है, वो फोन नहीं उठा रही है जबकि रिंग जा रही है। सलोनी ने मैसेज किया कि वो मुंबई जा रही है, लेकिन सूरज का कहना है कि रणदीप सब कुछ झूठ बोल रहा है। रणदीप ने छुट्टी ली थी क्या शिमला जाने के लिए? हाँ रणदीप ने पिछले हफ्ते छुट्टी ली थी। माथुर जरा बात करो रणदीप से, क्या नाटक है, या फिर हम बात करें? दरअसल रणदीप वापस ड्यूटी पे आया नहीं है, वो जैसे ही थाने में आता है मैं खुद उससे बात करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे पास भेज दूंगा। जरा जल्दी करना माथुर, सूरज धमकी दे रहा है कि वो प्रेस के पास जाएगा, मैं इस तरह का कोई बखेड़ा नहीं चाहता। मैं समझ रहा हूँ अखिलेश, मैं रणदीप से बात करता हूँ। हाँ सर, बस पुलिस स्टेशन के लिए निकल रहा था। रणदीप पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साले सूरज को तकलीफ क्या है, वहां दिल्ली पुलिस में जाकर हल्ला मचा रहा है अपनी बहन सलोनी को लेकर। सर आप तो जानते हैं कि मैं छुट्टी लेकर के शिमला गया था सलोनी के साथ, लेकिन वापस आते वक्त उसने मना कर दिया साथ आने से, कहा कि अकेले में वक्त बिताना, और फिर बाद में मैसेज कर दिया कि मैं मुंबई जा रही हूँ। अब सर उसे अकेले में वक्त बिताना, इसमें मैं क्या कर सकता? मैं थक गया हूँ अपनी शादी से सर, कब क्या सोचती है कब क्या करती है मुझे कुछ पता नहीं चलता। ठीक है रणदीप, तुम एक काम करो, सबसे पहले दिल्ली जाकर रंगोली विहार थाने में इंस्पेक्टर अखिलेश से मिलो। ओके सर, मैं अखिलेश सर से मिलता हूँ और मैटर क्लियर करता हूँ। ऑफिस नहीं जा रहा आज? एक अर्जेंट काम आ गया, वहां जाना पड़ेगा। बेटा सलोनी कब आ रही है? उसकी माँ का 3 बार फोन आ चुका है मुझे और वो तो ऐसे बात करती है जैसे तूने सलोनी को कुछ किया है। ना ही मैंने कुछ किया है और ना ही मेरे पास जवाब है उनको देने के। करने दो जो सलोनी और उसके परिवार वालों को करने। रणदीप से बात हुई आपकी, अब वो भी फोन नहीं उठा रहा है। सर ये सब चल क्या रहा है? सूरज ये तुम्हारी बहन सलोनी और रणदीप के बीच का मामला क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। फरीदाबाद के गिरिराज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर माथुर से बात हुई, उन्होंने बताया कि रणदीप ने परसों से ड्यूटी पर रिपोर्ट ही नहीं किया और सर उन्होंने 25 जून को रणदीप को हमारे पास भेजा था लेकिन वो तो यहां पे आया ही नहीं। रणदीप सर की मां भी यहां आई है, रणदीप सर का फोन नहीं लगने की वजह से वो भी बहुत परेशान है सर। सर मैंने भी रणदीप सर को फोन लगाया लेकिन उनका फोन तो बंद ही आ रहा है।
या ये रणदीप की जिंदगी में चल क्या रहा है? मुझे कैसे पता होगा सर, मुझे तो अभी पता चला कि सलोनी ऐसे चली गई है और अब रणदीप सर भी गायब है। सर 17 जून को दोनों शिमला के लिए निकले थे, 21 तारीख को वापस आना था, लेकिन सर वापस आता है सिर्फ रणदीप, सलोनी नहीं थी उसके साथ। और ये बात भी उसने मुझे तब बताई जब मैंने उसको फोन किया, नहीं तो बात मुझे कभी बताता ही नहीं सर। और अब रणदीप गायब है, इतने दिन तक मेरी बहन मुंबई में क्या करेगी, कहाँ रहेगी, और सर फोन क्यों नहीं उठाएगी? सलोनी का फोन अभी ऑन है? हाँ सर, मैंने अभी ट्राई किया, रिंग जा रही है लेकिन सलोनी ने फोन नहीं उठाया। सूरज तुम परेशान मत हो, हम सलोनी को ढूंढना तुरंत शुरू करें। सर मेरा मन बोल रहा है रणदीप ने सलोनी के साथ कुछ बुरा किया, मेरी बहन शिमला से बाहर ही नहीं गई सर। रणदीप सर के फोन रिकॉर्ड्स आए हैं, उनका फोन 25 जून की सुबह को 11:05 पे फरीदाबाद में ही स्विच ऑफ हुआ था। 25 जून को तो मैंने रणदीप को फोन किया था उससे सलोनी के बारे में पूछने के लिए, और उसे कहा भी था कि दिल्ली जाकर इंस्पेक्टर अखिलेश से मिले। सर उसी दिन सुबह मेरी भी बात हुई थी रणदीप सर से, तकरीबन 11:15, वो बता रहे थे कि वो दिल्ली जा रहे हैं। पूजा दिल्ली जाना पड़ रहा है मुझे, वही सलोनी का नाटक, किसी इंस्पेक्टर से मिलना है, सेटल करके आता हूँ मैटर। पर रणदीप तो दिल्ली पहुंचा ही नहीं, फिर कहाँ गया होगा? नहीं कहाँ चले गए रणदीप सर? सर मुझे दिल्ली पुलिस से फोन आया था, रणदीप सर के होटल के बुकिंग के बारे में मुझसे जानकारी चाहते थे, मैंने उनको होटल डीवी वैली बताया, ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे फोन रिकॉर्ड से मिली। सलोनी का फोन लोकेशन मुंबई दिखा रहा है। मुंबई में एग्जैक्ट लोकेशन क्या? मन आइलैंड एरिया है सर, लेकिन 21 जून से सलोनी ने किसी को कॉल नहीं किया है। 21 जून को ही रणदीप सलोनी को होटल में अकेला छोड़कर वहां से निकल गया। जी सर, और तो और 17 जून से लेकर 21 जून इन 4 दिनों में जब वो रणदीप के साथ शिमला के होटल में थी तब भी सलोनी ने अपने फोन से ना ही किसी को कॉल किया और ना ही किसी कॉल रिसीव। संदीप ने अपने साले सूरज को बोला कि सलोनी शिमला में 1-2 दिन अकेले रहना चाहती है, लेकिन सलोनी अगले ही दिन मुंबई के लिए निकल गई। रणदीप चौधरी अपनी वाइफ सलोनी चौधरी के साथ 17 जून से 21 जून तक हमारे होटल में रुके थे। 21 जून को दोनों ने साथ में चेकआउट किया था? जी नहीं सर, एक दिन के लिए रूम में स्टे एक्सटेंड करवाया था, मिसेस चौधरी ने 22 जून को चेकआउट किया था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आज मैं चेकआउट कर रही हूँ, बिल्स क्लियर करना है। ओके मैम। हमारे पास उनके 21 जून के डिनर का बिल है। सही है रहा, पक्का सलोनी रणदीप के जाने के बाद एक दिन और यहाँ रुकी थी? जी सर, मिसेस चौधरी ने 22 जून की सुबह को यहाँ से चेकआउट किया था। मुझे 17 जून से 22 जून तक की होटल की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। और किस रूम में रुके थे ये दोनों? सर 201। हाँ तो 201 का कॉरिडोर और होटल की लॉबी, मुझे हर जगह की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। क्या ये साजिश रणदीप चौधरी ने रची थी या फिर इसके पीछे उसकी पत्नी सलोनी चौधरी का दिमाग था? लेकिन इस बात का जवाब देने के लिए इन दोनों में से इस वक्त कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इस बात की पूरी संभावना थी कि कोई अपराध हुआ जरूर था। और अब इस केस में एक तीसरा शख्स शामिल होने वाला था जिसे शायद इस अपराध की जानकारी थी। मॉर्निंग। हेलो, क्या मैं जान सकती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ? आपने कॉल किया है, आप बताइए आपको किससे बात करनी है? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नेहा जैन बोल रही हूँ, रंगोली विहार थाने से। सलोनी चौधरी को जानते हैं आप? उसे कॉल रिकॉर्ड में आपका नंबर मिला है, 15 जून को बात हुई आपकी। जी हाँ मैं सलोनी को जानता हूँ, मैं शेखर सक्सेना बोल रहा हूँ, पीएलटी बैंक प्राइवेट लिमिटेड का जनरल मैनेजर। सलोनी चौधरी इस वक्त मिसिंग है और उसके पति रणदीप चौधरी का भी कुछ अता पता नहीं। सलोनी मिसिंग है? ओह माय गॉड, कहीं उसके पति रणदीप ने उसे मार तो नहीं दिया? रणदीप ने सलोनी को मार दिया? मिस्टर सक्सेना आप काफी कुछ जानते हैं सलोनी के बारे में, एक काम कीजिए रंगोली विहार थाने पहुंचे आपसे बात करनी। जी मैम, आई विल बी देयर। ये लो, खुद अपनी आंखों से देख लो,
रणदीप झूठ नहीं बोल रहा है। रणदीप के निकलने के एक दिन बाद तक तुम्हारी बहन शिमला में रुकी थी। देखो, रिसेप्शन के फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि 21 जून को रणदीप ने होटल से चेकआउट किया और 22 जून को तुम्हारी बहन ने होटल के बिल भरे और चेकआउट किया। सर ऐसा है तो वो गई कहाँ? फोन नहीं उठा रही है। उसका फोन बार बार बज रहा है लेकिन फोन नहीं उठा रही है। सर रणदीप कहाँ है? तुम्हारी बहन के फोन लोकेशन से ये पता चल रहा है कि इस वक्त तुम्हारी बहन मुंबई में है। सरोज, तुम्हारी बहन को कुछ प्रॉब्लम है क्या? होटल से निकलते वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही है। साफ समझ में आ रहा है कि उसे पता था कि वो क्या कर रही है। नहीं सर, मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम रणदीप की तरफ से। रणदीप कहाँ है सर? इस वक्त रणदीप भी मिसिंग है। यही तो कह रहा हूँ सर मैं, उसने मेरी बहन के साथ कुछ कर दिया है और खुद गायब हो गया सर। सूरज, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रणदीप ने तुम्हारी बहन सलोनी के साथ कुछ किया। सीसीटीवी फुटेज तुम खुद दे चुके हो। सर अगर ऐसा है तो रणदीप गायब क्यों हो गया? तो आप ये कह रहे हैं कि सलोनी ने आपको बताया था कि उसे डर है कि रणदीप उसे जान से मार देगा? यस मैम, सलोनी ने यही बोला था कि रणदीप शादी को बचाने के बहाने से उसे शिमला ले जा रहा है, जबकि उसका असली मकसद सलोनी की हत्या करना है। मुझे लगता है रणदीप मुझे शिमला इसलिए ले जा रहा था कि मुझे किसी पहाड़ी से धक्का दे दे या फिर मेरा एक्सीडेंट करवा दे और फिर इसे एक हादसे का रूप दे दे। सलोनी शांत हो जाओ। सलोनी देखो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम शिमला मत जाओ। नहीं 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 शेखर, मुझे जानना है मुझे कि रणदीप आखिर क्या प्लान कर रहा है। बेवकूफी मत करो, तुम मेरी बात सुनो, शिमला मत जाओ। तुम मेरी बात सुनो शेखर, रणदीप को लगता है ना कि वो एक पुलिस वाला है तो बच जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखो अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रणदीप होगा। मैंने उसे कितनी बार मना किया मैम, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तो जब आप जानते थे कि सलोनी की लाइफ को खतरा है तो आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? मैम पुलिस को मैं क्या बताता, मैं सलोनी का शुभचिंतक हूँ, उसकी परवाह करता हूँ। पिछले एक साल में मैंने पता नहीं कितनी बार उससे कहा है कि अगर ये शादी उसका दम घोट रही है तो अपने पति से अलग हो जाए, लेकिन उसने मेरी मानी नहीं। इस बार तो मैंने उसके भाई सूरज को भी बताया था। ये बात आपने सूरज को बताई थी? जी हाँ, मैंने सूरज से कहा था कि सलोनी को डर है कि रणदीप कहीं उसे मार न दे। ये क्या चल रहा है सूरज? सलोनी ने शेखर से कहा कि उसकी जान को खतरा है, शेखर ने यही बात फोन करके तुमसे बताई, लेकिन तुमने हमसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आ गया हमारे पास। ये कौन सा गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो तुम हमारे साथ? मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ और नहीं सर मेरी बहन सलोनी कोई गेम खेल रही है। शेखर जी ने मुझे फोन करके बताया था, उसके तुरंत बाद मैंने सलोनी को कॉल किया था सर। तो उसने तुम्हें अपने डर के बारे में नहीं बताया था? और अगर तुम्हें खतरे का अंदेशा पहले से था तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? सर सलोनी ने मुझे बोला कि उसने शेखर जी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है। मार देगा रणदीप मुझे? मार देगा? हाँ शेखर जी ने मुझे यही बताया, तुम्हें बताया ना उन्हें ये सब? ओह शेखर ने बताया तुम्हें? मैंने उसे ऐसे ही एक दिन अपने इस डर के बारे में बताया था। अगर तुम्हें किसी बात का डर है तो तुम वहाँ रणदीप के घर क्यों रह रही? या घर पे वापस आ जाओ। सूरज तुम मेरी शादी तोड़ना चाहते हो क्या? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? ये क्या बात कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? शेखर जी ने मुझे बताया कि रणदीप तुम्हें मारना चाहता है, फिक्र हो रही थी तुम्हारी, तुम्हें हो क्या गया है? सूरज मैं कोई बच्ची नहीं, और रही बात शेखर की तो उससे मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो ये सब जाके तुम्हें बता दे, वरना मैं खुद तुम्हें बता देती। और जहां तक रणदीप की बात है तो सिर्फ वो प्लान नहीं बना सकता, मैं भी प्लान बना सकती। सलोनी ने तुमसे कहा था कि वो भी कुछ प्लान कर सकती है? सर कहने के लिए कह दिया होगा, लेकिन रणदीप से शादी करने के तुरंत बाद से उन दोनों के बीच में अनबन रहती थी, रणदीप उसको मारता था। सर रणदीप सलोनी को क्यों मारता था? देखो तुम्हारी बहन के बारे में जितना सुना है ना, उससे लगता है कि वो कुछ ठीक नहीं है, वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। एक दिन और रुक जाती है शिमला में, लेकिन फिर अचानक से मुंबई पहुंच जाती है। यहाँ पर हम रणदीप को बुलाते हैं, पता चलता है वो भी गायब है, ये चक्कर क्या है? सर रणदीप को पकड़िए ना, उसी से पूछिए, ये सारा उसी का प्लान है, मास्टर माइंड है सर, वो पुलिस वाला है ना, मर्डर से बचने के सारे तरीके पता होंगे सर उसे। रणदीप को हम जरूर ढूंढेंगे, तुम्हारी बहन सलोनी को भी ढूंढेंगे, पर अब तक ना हमें इस पूरे प्लान के पीछे मास्टर माइंड तुम्हारी बहन सलोनी ही लग रही है। एक तरफ वो शेखर से कहती है कि उसे रणदीप से जान का खतरा है, दूसरी तरफ जब तुम उसे फोन करते हो तो तुम्हें झाड़ देती है, कहती है इस मामले से दूर, इस वक्त मुंबई में कहीं रह रही है, रणदीप मिसिंग है। क्या है ये सर? रणदीप की मां अपने बेटे के लापता होने से काफी परेशान थी। सलोनी के फोन ना उठाने की वजह से उसकी मां आशा और भाई सूरज भी परेशान थे। फरीदाबाद पुलिस को अपने एक ऑफिसर के लापता हो जाने की वजह से चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस सलोनी चौधरी के ठिकाने का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से कोलकाता जाने वाली ध्रुव एक्सप्रेस अगले 5 मिनट में रवाना होगी। ध्रुव एक्सप्रेस
from Kolkata will depart from platform number 4 in 5 minutes. और अब सलोनी और रणदीप के केस के चलते शेखर सक्सेना के घर में भी दिक्कत होने वाली थी। सलोनी, इस बार क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है। सलोनी मिसिंग है और उसका हस्बैंड रणदीप भी। पर उन दोनों से तुम्हारा क्या मतलब? मेरा कोई मतलब नहीं। सलोनी ने 15 जून को मुझे फोन किया था, कह रही थी उसे किसी चीज से खतरा है। उसने तुम्हें क्यों फोन किया? मुझे नहीं पता, शायद डर गई होगी। चल क्या रहा है शेखर? कुछ नहीं चल रहा है जूही। सलोनी ने मुझे ऐसे ही फोन किया था और अब वो मिसिंग है, इसलिए पुलिस पूछताछ कर रही है कहीं उसने दोबारा कॉल तो नहीं किया। मेरा यकीन करो, मैं कसम खाकर कहता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे कभी लगता है मैं खुद को मार दूंगी, या जैसे कोई मुझे मारना चाहता है, या फिर जैसे मैं किसी को मारना चाहती हूँ। सलोनी, तुम खुद से इतनी नफरत क्यों करती हो? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी, सब बर्बाद कर दिया मैंने। तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है? और ये अजय कौन है? अजय को नहीं छोड़ूंगी, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है, मैं भी उसे बर्बाद कर दूंगी। मुझे मार डाला उसने, अंजू को मार डाला, अंजू को। सर, मैंने फैंस स्क्वायर पे चेक किया, सलोनी का इस पर अकाउंट है। वो अपना स्टेटस मुंबई से अपडेट कर रही है। शोरत आखिर कौन सा गेम खेल रही है हमारे साथ? और रणदीप, वो कहाँ है, उसकी कोई खबर? नहीं सर, फरीदाबाद पुलिस उनके बारे में पता कर रही है, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं चला है। मुझे लगा सलोनी के फ्रेंड्स पर अकाउंट से कुछ पता चल जाएगा, पर इसके फ्रेंड लिस्ट में तो कुछ ही लोग हैं। सबसे पहले ये हस्बैंड रणदीप चौधरी, और ये सलोनी का भाई सूरज, और फिर ये बैंक मैनेजर शेखर सक्सेना, जिसको सलोनी ने कॉल किया था, और सर आखिर में है ये अजय कुमार। अजय कुमार? और ये अजय कौन है? उसने मुझे बर्बाद कर दी है, अंजू को मार डाला। मैंने चेक किया, इस अजय कुमार के अकाउंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई पोस्ट भी नहीं, ऐसा लग रहा है सब डिलीट कर दिया गया है। मुझे सलोनी के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। सर, हालात तो मुझे रणदीप चौधरी के भी ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसे पता नहीं कहां अचानक से गायब हो गए, या फिर उनके साथ ही कुछ गलत हुआ। सर, डीवी वैली होटल के 17 जून से 22 जून तक के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, उसमें दिख रहा है कि सलोनी से मिलने होटल में कोई आया था। देखिए सर, अभी होटल के अंदर आएगा, अभी सीधे सलोनी के रूम की तरफ जाते हैं। ये आदमी रणदीप के होटल से जाने के बाद सलोनी से मिले। लेकिन सर, इसने सलोनी को कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके जस्ट एक दिन बाद सलोनी ने बिल्कुल सही सलामत होटल से चेकआउट किया है। सर, इस आदमी को अच्छे से पता है कि होटल में कहां कहां सीसीटीवी कैमरास लगे, होटल के अंदर आता है, बाहर जाता है, नीचे देखते हैं अपना चेहरा छुपा के। इसने किसी से पूछा भी नहीं, तो इसको कैसे पता कि सलोनी का रूम कौन सा? रिकॉर्ड चौंकाने वाली बात है। 17 जून को जब सलोनी और रणदीप ने होटल में चेक इन किया, तब का फुटेज देखिए। रणदीप ने चारों तरफ नजर घुमा के देखा है कि होटल में कहां कहां सीसीटीवी कैमराज लगे। तो क्या ये सारी की सारी प्लानिंग रणदीप ने की? इस बंदे को सलोनी से मिलने भेजा, सलोनी इससे मिली भी, फिर सलोनी ने अगले दिन सही सलामत होटल से चेकआउट किया, फिर सलोनी का फोन लोकेशन दिखाता है मुंबई का। समझ में नहीं आ रहा है। और सर, गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ रणदीप ने ही नहीं, सलोनी ने भी चारों तरफ नजर घुमा के देखा है कि कैमरास कहां कहां लगे। देखिए, तो क्या ये दोनों अपनी अलग अलग प्लानिंग कर रहे थे? तो क्या ये दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे? तुरंत शिमला पुलिस से कॉन्टेक्ट करो, उनसे कहो कि अननोन डेड बॉडीज को स्कैन करो, इस बात के पूरे चांसेस हैं कि सलोनी का मर्डर हुआ। सलोनी का फोन लोकेशन मुंबई दिखा, उसके फोन से मैसेज आना, फ्रेंड स्क्वायर पर स्टेटस अपडेट होना, मे बी ये रणदीप की चाल। सर, गोविंद खबरी का फोन। सर, ये सलोनी का फोटो मैंने बहुत घुमाया, एक बड़ी अजीब सी बात मालूम पड़ी। 2016 में सलोनी ने शेखर सक्सेना के ऊपर रेप केस फाइल किया था। सर, शेखर सक्सेना पे रेप केस? जी सर, अपने खानचौक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था, केस कोर्ट में अभी भी चालू है।
गोविंद तेरी खबर पक्की है ना? सर 100% पक्की खबर है। आप उस बैंक मैनेजर शेखर सक्सेना को उठाइए, वो कंफर्म कर देगा। हालांकि इस केस के बारे में सलोनी के भाई सूरज को भी पता होना चाहिए था। सर मैं और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा है। और सर सलोनी का कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है सर। क्या किया सलोनी तुमने? क्या किया? देख सूरज, रणदीप और सलोनी दोनों मिसिंग है। पहले हमें शक रणदीप चौधरी पर था, लेकिन अब सब पे शक हो रहा है, तुझ पे भी। हम लोग मिलके ये क्या गेम खेल रहे हो? नहीं सर, वो रेप केस वाली बात पुरानी हो गई थी सर, इसलिए याद नहीं आया। और वो केस लगभग खत्म हो चुका है सर। ये रेप केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, था क्या ये मैटर? सलोनी शिमला जाने से पहले शेखर को फोन करके बताती है कि उसकी जान को खतरा है। वही बात शेखर फोन करके तुम्हें बताता है। शेखर कहता है कि तुम्हारी फैमिली का सिर्फ शुभचिंतक है। और 2016 में सलोनी शेखर पे रेप के चार्जेस लगाते हैं, पर ये बात ना शेखर हमें बताता है और ना तुम। क्या चल क्या रहा है ये? कोलकाता? अब वो कोलकाता में? हाँ नहीं हाँ, मुंबई में उसकी लोकेशन ऑफ रडार हो गई थी, लेकिन हमें दोबारा ट्रेस मिला है, उसकी लोकेशन कोलकाता दिख रही है। देवेंद्र, उसकी पिन पॉइंट लोकेशन पता करो, हमें किसी भी हाल में उस तक पहुंचना है। इस बार हम उसे जाने नहीं दे सकते, यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। मुझे नहीं पता सर उस वक्त सलोनी के दिमाग में क्या चल रहा था। मैं नहीं समझ पाया कि उसने मुझ पर रेप केस क्यों फाइल किया, वो बस गई और केस फाइल कर दिया। वो बड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, उसने जो भी किया उस सबसे हम बहुत हैरान थे। आप सूरज से पूछ सकते हैं सर, वो भी काफी शॉक था। एक महिला यूं ही अचानक किसी पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हारे खिलाफ रेप केस तो फाइल नहीं करेगी ना? मुझे नहीं पता सर उसने ऐसा क्यों किया। 3 साल बाद वो चंडीगढ़ से वापस आई तो काफी डिस्टर्ब लग रही थी, कोई ना कोई बात थी जो उसे खाई जा रही थी सर। आइए आइए सूरज साहब, आइए बैठिए, आमने सामने बैठ के खेल खेलते। सूरज तुम प्लीज इन्हें बताओ सलोनी के साथ क्या हुआ था। सर मुझे भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी, सलोनी ने सर अचानक से रेप केस कर दिया। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, उसने ऐसा क्यों किया सर मुझे नहीं पता। मुझे अरेस्ट किया गया था और एक दिन के लिए जेल भी भेजा गया था। मेरी वाइफ चूही वो भी नहीं समझ रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया था, बल्कि सलोनी को कुछ हो गया था। मुझे बैंक में भी अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी थी, जब तक कि इस प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं निकला। उस एक झूठे इल्जाम की वजह से मैंने प्रोफेशनली पर्सनली बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। मेरी सालों की सर्विस पर दाग लग गया था, मेरी पत्नी के साथ मेरे रिश्ते में भी कड़वाहट आ गई थी। मैं कभी नहीं समझ पाया कि उसने ऐसा क्यों किया था, और ना ही उसने मुझे कभी बताया कि वो किसके हिस्से का गुस्सा मुझ पर निकाल रही थी। सलोनी ने ये केस क्यों फाइल किया है? मैंने हमेशा सलोनी का और आप लोगों का भला चाहा है, तो फिर ऐसी क्या बात होगी कि वो मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन चली गई? क्या उसने आप लोगों से इस केस के बारे में कोई बात की? हाँ सूरज, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसके इस बेवजह झूठे इल्जाम की वजह से मेरी लाइफ खराब हो रही है, मेरी वाइफ के साथ मेरे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, मेरा करियर दांव पे लग गया है। प्लीज उससे बात कीजिए, उससे पूछिए ये क्या मामला है। मुश्किल समय में मैंने इनके परिवार की मदद की थी, ना कभी बुरा सोचा ना कभी बुरा चाहा। इनफैक्ट मैं तो इनके परिवार को ठीक से जानता भी नहीं था, सिवाय इनके फादर पुष्पेंद्र जी के। वो इसलिए क्योंकि वो बैंक के कस्टमर थे, बैंक से लोन लिया था उन्होंने और 1 साल से बैंक की किस्त नहीं चुका पा रहे थे, इसलिए बैंक द्वारा उनको नोटिस भेजा गया था। पापा को हार्ट अटैक आए हुए साल भर भी नहीं बीता है सर, उन्हें अपना जॉब छोड़ना पड़ा, ऊपर से स्टंट और सर्जरी में काफी पैसा खर्च हो गया। हमारे बहुत बुरे दिन। प्लीज सर, सर हमें मदद की जरूरत है, समझने की कोशिश करिए। हम जानते हैं कि हम अपनी किश्तें नहीं चुका पाए, लेकिन हमने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। मैं जॉब ढूंढ रही हूँ सर, और मेरा भाई 19 साल का है, कॉलेज में है, वो भी पार्ट टाइम जॉब करेगा। देखिए आपको ये बात समझनी होगी कि मैं एक हद तक की आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं बैंक में एम्प्लॉय हूँ, बैंक का ओनर नहीं हूँ। हम बैंक के लीगल नोटिस का जवाब देना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपसे वादा करते हैं हम आपका लोन चुका देंगे, बस हमें थोड़ा सा समय दीजिए। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ प्लीज सर, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बैंक के रूल्स को बेंड करके मैं उनकी जितनी मदद कर सकता था उतनी मदद मैंने की, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि जब सर पे घर के कर्ज का बोझ हो और इकलौता कमाने वाला कमाने की हालत में ना हो
तो हालात कैसे हो जाते? अगर इतनी मदद की थी तो सलोनी ने आप पे रेप चार्जेस क्यों लगाए? सिर्फ रेप केस ही नहीं सर, बल्कि राणा नगर पुलिस थाने में उसने मेरे खिलाफ किडनैपिंग का केस भी फाइल किया हुआ है। किडनैपिंग? 2016 में जब उसने मुझ पर रेप केस फाइल किया था तो सर मैं उससे मिलना चाहता था, पूछना चाहता था, जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो मुझसे बात करने के लिए राजी ही नहीं थी। इसलिए एक दिन मैंने उसे रास्ते में रोका, उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा ताकि हम बात तो कर सके। तुम ये सब क्यों कर रही हो? हाँ कुछ बोलोगी? तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ तबाह हो रही है, तुम्हें जरा सा भी एहसास है इस बात का? हाँ अरे बोलो, स्पीक अप। गाड़ी रोको। क्या गाड़ी रोको? आई सेड गाड़ी रोको। रोको गाड़ी अभी। अभी गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको। काम डाउन, रोकता हूँ मैं, रोकता हूँ। एक सेकंड। क्या सलोनी 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 मेरी बात सुनो। सलोनी सलोनी क्या हुआ, क्या तुम्हें क्या हुआ, क्या है? तुम मुझे मारना चाहते हो ना? अरे मारना चाहते हो ना, इसलिए किडनैप करके ले जा रहे थे मुझे। अरे कैसी बातें कर रही हो? सलोनी सलोनी प्लीज यार। और उसके बाद वो राणा नगर थाने जाती है, रिपोर्ट लिखवाती है कि मैं उसको किडनैप कर रहा था, पहले रेप फिर किडनैपिंग। आप जरा सोचिए मेरी क्या हालत हुई होगी। सूरज क्या है ये सर, सलोनी ऐसा क्यों कर रही थी? और 3 साल के लिए वो चंडीगढ़ गई थी क्यों? सर पापा को पहला हार्ट अटैक आया, उसके बाद दूसरा हार्ट अटैक जल्दी आ गया जिसको वो झेल नहीं पाए और 2013 में चल बसे। सर उसके बाद हमारा पूरा परिवार टूट गया था, खासतौर से सलोनी। और फिर एक दिन अचानक वो कहीं चली गई, उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ गई। और फिर 3 साल बाद लौटी और जो लौटी वो पहले वाली सलोनी नहीं थी। उसने आते ही मुझ पर मल्टीपल केसेस कर दिए, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था सर। 2018 में सूरज और इसकी माँ ने सलोनी की शादी रणदीप के साथ करवा दी और मुझ पर लगे हुए केसेस भी धीरे धीरे ठंडे पड़ गए। सब कुछ ठीक चल रहा था सर, फिर अचानक से ये सब हो गया। सर मैं आपको कह रहा हूँ, रणदीप ने मेरी बहन के साथ कुछ गलत किया है, इसीलिए वो गायब हो गया। सर तुम दोनों किसी अजय कुमार को जानते हो? नहीं सर, कौन है? मैं नहीं जानता सर। मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ कौन है। अजय कुमार, ये शायद वो शख्स था जो बता सकता था कि सलोनी और रणदीप चौधरी के मामले में आखिर हुआ क्या था। और ये अजय कौन है? उसने मुझे बर्बाद कर दिया है, पंचू को मार डाला। कहानी के इस मोड़ पर पुलिस अजय कुमार तक नहीं पहुंच पाई थी और उन्हें अंजू के अस्तित्व का भी कोई आभास नहीं था। शेखर और सूरज अभी भी पूरा सच नहीं बता रहे हैं, इनकी कहानी में कुछ तो झोल है। झोल तो ऐसे, एक लड़की 3 सालों के लिए गायब हो जाती, चंडीगढ़ चली जाती, पर इन 3 सालों में वो अपने घर वालों के साथ टच में नहीं रहती। फिर एक दिन अचानक से वापस आ जाती और शेखर पे केस कर देती। 15 जून को सलोनी ने शेखर को फोन करके बताया कि रणदीप उसे जान से मार सकता है और यही बात शेखर ने सूरज को बताई, लेकिन सूरज ने जब सलोनी को फोन किया तो सलोनी ने उससे कहा कि मेरे मामले में दखलअंदाजी मत। इस समय अजीब बात यह है कि सूरज और शेखर दोनों में से किसी ने भी रणदीप से एक बार भी बात नहीं की। अगर सच में सलोनी की जान को खतरा था रणदीप से तो दोनों को कम से कम एक बार बात तो करनी चाहिए थी रणदीप से। सर इस गोविंद ने कुछ और भी पता लगा है। क्या पता लगा है? सर इस लड़की के साथ कुछ तो प्रॉब्लम थी। गोविंद बता रहा है कि 2017 में तकरीबन 1 महीने के लिए सलोनी एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाया करती थी। साइकियाट्रिस्ट? यस सर, मैंने साइकियाट्रिस्ट से भी बात की, उसने कहा कि जून 2017 से लेकर जुलाई 2017 के बीच सलोनी उसके पास गई। सलोनी नाम की एक पेशेंट आई तो थी, लेकिन 2017 में यही कुछ जून जुलाई के बीच। जागृति हुआ क्या था उसे? ये तो पता नहीं चला, लेकिन वो यही बोलती थी कि किसी अजय ने उसकी लाइफ तबाह कर दी है और वो उसे मारना चाहता है। इसके आगे उसने कुछ बोला नहीं, कभी कुछ खुलकर नहीं बोला। सर इस अजय का नाम दोबारा सामने आया है। शायद सलोनी के अतीत में ऐसा कुछ हुआ हो जिसका असर उसके आज पे भी हो। सलोनी की शादी रणदीप से 2018 में हुई, फिर उसको उसके अतीत से क्या लेना देना? इस लड़की के साथ क्या हुआ है या इसने किसी के साथ क्या किया है, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इसके बैकग्राउंड को देखते हैं, 3 साल तक किसी को बिना बताए चंडीगढ़ में रही, फिर वापस आती है, आने के बाद शेखर पे केसेस करती है और फिर अजय का नाम सामने आता है। इस अजय का सलोनी के साथ ताल्लुक हो सकता है। अब इस अजय ने सलोनी की लाइफ बर्बाद कर दी हो या कुछ और कर दिया। तो क्या सलोनी को रणदीप में अजय दिखाई दिया और उसी गुस्से में उसने रणदीप को मार दिया? क्योंकि जब से मातू ने रणदीप को हमसे मिलने के लिए बोला वो तभी से मिसिंग है। हो सकता है सर, सलोनी और रणदीप की शादी को 1 साल ही हुआ है और 1 साल की शादी में ऐसा क्या बिगड़ सकता है? नेहा, सलोनी की चंडीगढ़ वाली गाने बता दो। आई एम श्योर उसका कुछ तो ऐसा अतीत है जो वर्तमान तक आ रहा है।
रिलैक्स, मुझे बताओ अंजू कौन है? अंजू मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी बेटी। उसने मार दिया मेरी बच्ची को, मार दिया मेरी बच्ची को, मेरी अंजू को। ये अजय जो कोई भी है और ये दूसरा बंदा जो होटल में सलोनी से मिलना है, किसी भी हाल में दोनों चाहिए मुझे। चौहान, तुम सूरज और शेखर को उठा दो। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत कुछ ऐसा है जो ये छुपा रहे हैं। सलोनी के आखिरी कॉल्स इन दोनों को ही हुए थे। हो सकता है क्राइम में ये दोनों भी शामिल। सच निकालो इनसे। मैं तब तक जाकर से शुक्ला से मिलता हूँ, जो साइकेट्रिस्ट। हमें जल्द से जल्द सलोनी को ट्रैक करना है। वो जहाँ कहीं भी है उसे बाहर लाना। ओके सर। तो कोलकाता में है सलोनी, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा। तुम जासूसी कर रही हो मेरी? तो खुद बता दो ना शेखर, क्या चल रहा है ये सब? मेरा सलोनी के साथ कोई नाता नहीं, कोई मतलब नहीं। तुम हजार बार चिल्ला चिल्ला कर भी यही बात बोलोगे ना, तब भी नहीं मानूंगी। सच बताओ, तुमने सलोनी के साथ मिलके उसके पति रणदीप को मारा है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? धीरे धीरे ना तुम भी उस सलोनी की तरह होती जा रही हो। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने खुद की जिंदगी तबाह की, तुम हम दोनों की कर रही हो। मेरा सलोनी के साथ कोई वास्ता नहीं है। सलोनी, हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र है, तुम प्लीज वापस आ जाओ। ऐसे हमेशा तो नहीं भाग पाओगी। लौट आओ और हकीकत का सामना करो। खेल खत्म हो चुका है। क्या सलोनी चौधरी अपने ही किए जुर्म से भाग रही थी? क्या उसने ये सब पहले से प्लान किया था? क्या उसने भागने का भी प्लान बनाया था? क्या सच में उसने अपने पति रणदीप चौधरी की हत्या की थी? और अगर हाँ, तो आखिर उसने इस हत्या को अंजाम कैसे दिया था? ये अजय कुमार कौन था? और क्या वाकई अंजू नाम की कोई बच्ची थी? अब क्या प्लान है? तुम्हारा पति चला गया? हाँ। कल तुम चेकआउट करोगी, वहां से सीधा मार्केट आओगी, वहां मैं तुम्हें मिलूंगा और फिर दोनों आगे चलेंगे। ये समानवीय साजिश और हत्या के केस में अभी कई और चौंकाने वाले पहलू सामने आने वाले थे। कल रात हम सलोनी के चंडीगढ़ के अतीत की तह तक पहुंचेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर सलोनी की जिंदगी का वो कौन सा पहलू था जहां सतर्क ना होने की वजह से उसकी जिंदगी तबाह हुई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।